हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। साल भर में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसके अंदर 2 गुप्त रहती है, 2 सिद्ध रहती है। यह नवरात्रि में बहुत सारे लोग माता को प्रसन्न करने के लिए पूजन पाठ व हवन आदि करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही पता है कि यह नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने सबसे पहले माता रानी का व्रत रखा था। लंका दहन के पहले भगवान प्रभु श्री राम ने यह व्रत रखकर माता रानी को प्रसन्न किया गया था, जिसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। माता की आराधना करना नवरात्रि में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। माँ दुर्गा के 9 दिन अलग अलग रूप में पूजा का विधान बताया गया है। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं विस्तार से सभी बातें। देवी चामुंडे जय भूतारतहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। क्षेत्रीय नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त आते हैं और 2 उजागर आते हैं। उजागर में शारदीय नवरात्रा और क्षेत्रीय नवरात्रा होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई, ऋषिमुख पर्वत पर जब चढ़ाई कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी के कहने पर चंडी देवी की आराधना करी। 9 दिन तक चंडी का पाठ किया, चंडी पाठ किया, अनुष्ठान किया और 108 कमल भगवती को नील कमल अर्पण किए। और ऐसा आता है वाल्मीकि रामायण में कि एक कमल रावण ने नष्ट कर दिया उसकी विद्या से, और एक कमल नष्ट करने के बाद में जब भगवान 108 कमल चढ़ा रहे थे तो 108वें कमल का जब अवसर आया चढ़ाने का, तो वो जब नहीं दिखा तो भगवान ने तीर से अपने नेत्र चढ़ाने का विचार कर लिया। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने नेत्रों पर तीर लगाया, वैसे ही माँ भगवती प्रसन्न हुई और श्री रामचंद्र जी को जीत का वरदान प्रदान किया, जिससे भगवान रावण पर और लंका पर विजय कर पाए। उसी समय से यह नवरात्रा व्रत और नवरात्रे का, क्षेत्रीय नवरात्रे का पूजन का जो परंपरा है, यह प्रारंभ हुई। और उसी नवरात्रे में साधु संत ऋषि मुनि अपनी अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यह क्षेत्रीय नवरात्रे की प्रथा प्रारंभ हुई।